कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे हर कीर्तन सुने वाहेगुरु जी की फतेह। गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पुरब दियां सब संगतां नूं लख लख वधाइयां होण। अज प्रकाश पुरब के मौके से असी गांधी नगर दस्तारबंदी का कैंप लगाया सीगा। काफ़ी बच्चे साढ़े कोल आए पग्गां बनवा के गए। अगे तो भी साडा उपराला यही रहेगा कि हर साल प्रकाश पुरब के मौके से इत्थे कैंप लगाया जाए, बच्चों नूं पग दे वल प्रेरित किया जाए। असी नानक नगर साडा अकैडमी आ जिथे असी हर साल मतलब हर दिन पग सिखाने सवेरे शाम क्लासा लगदियाँ। बच्चों ने कि जो भी बच्चे पग सीखना चाहते हैं वो नानक नगर साढ़े को आके मिल सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। हर कीर्तन सुने हर कीर्तन गावे तिस जन दुख निकट नहीं आवे। तिस जन वाहेगुरू जी का खालसा वाहेगुरू जी की फतेह। सारी संगत नूं इस नगर कीर्तन ते साहिबे कमाल गुरु गोबिंद सिंह जी गुरपुरू महाराज की लख लख वधाइयां। ते असी इस मालक अगे दुआ करदे आ कि जिहड़ा इह नवां साल चढ़िया है सारी संगत वास्ते ते खास कर जिहड़े साडे किसान वीर बैठे होए ने उन्हां किसान वारां दी सलामती लई ते उन्हां दी जित लई असी दुआ करदे रहेंगे कि साडे वीर कामयाब हो के निकलन। ते जिन्ने भी जम्मू दी संगत है उन्हां नूं नाल बेनती भी करांगे 20 तरीक नूं हुम हुम आ के चंदकोरां दे समा ते पुज के इस कीर्तन जिहड़ा साहिबे कमाल गुरपुरू मनाया जा रहा है उस दीआं रौनकां नूं वधाया जाए। ते सारी संगत सारे ही अपने घर दे फसाद छड के गुरपुरू ते पहुँचने की कृपालता करे। बाकी ये स्टाल जिहड़े वीरां ने लाया साढ़े अवतार सिंह जी वीर जी होरां ने जिहड़ा ये स्टाल लाया असी वीर जी होरां नूं लख लख वधाई देने आ। इत्थे सेवा करदे आ सानूं भी अज 8-10 साल हो गए ने। ये 8-10 साल तो ही अवतार सिंह जी खालसा होरी ये स्टाल की सेवा कर रहे ने। ते बाकी सारे ही एक बाणी नूं असी बहुत बहुत धन्यवाद देने आ जिहड़ा ये हर जगह पुज के सिक्खी का प्रचार कर रहे हैं कि वो तो सिक्खी को अगे बढ़ा रहे हैं। जदों का यह चैनल चल रहा है काफ़ी दुनिया नू इसका फायदा पहुँचा है। घर घर बह के असी गुरबाणी सुन सकते हैं। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। जा अपनी गिर
साहिब कमाल श्री गुरु गोबिंद महाराज का प्रकाश पुरब जो सारे संसार भर में 20 तरीक मनाया जा रहा है। उस संबंध में हर एक जगह अलग अलग गुरुद्वारे अलग अलग दृष्टियों में गुरु महाराज के इस प्रकाश पुरब की खुशी में नगर कीर्तन कढ़े जा रहे हैं। तो आज जो नगर कीर्तन है जिहड़ा डिस्ट्रिक्ट गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने अज उपराला किया है, क्योंकि गौरमेंट की बड़ियां मजबूरिया ने सू तंग किया है। इन सब के होने के बावजूद भी कमेटी ने यह फैसला किया कि असी ये नगर कीर्तन हर हाल कढ़ना है और गुरु महाराज की खुशियां हासिल करनी हैं। तो जो संगत सानू उम्मीद सी कि साढ़े जो अपोजिशन सन उन्हें बड़े प्रचार किया भाई परमिशन नहीं मिली, कोई अपना नगर कीर्तन नहीं है,
रात को जी सानू टेलीफोन आते सन कि नगर कीर्तन है, कि है जी अज बहुत सारे फोन आ रहे हैं कोई नगर कीर्तन ही नहीं जाना उसे लाख साहब हो गए। इस वास्ते एक डिस्ट्रिक्ट कमेटी के जो साढ़े सज्जन स्टेट बोर्ड डिस्ट्रिक्ट कमेटी होर साढ़े जोड़े सज्जन उन्होंने सारे ने बहुत जोर लाया और बहुत जबरदस्ती यह प्रोग्राम बनाया गया कि करना है जो गवर्नमेंट करना चाहिए कर ले। तो रात के दो दो बजे तक मीटिंगा हुई, लेकिन आखिर उन्होंने कहा भी जो कायदा कानून है उसके मुताबिक करो। तो असी संगत का बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने कि इन्हें रुकावटा होने के बावजूद ही इन्हों मना किया गया ना जायो, लेकिन संगत आई है। संगत का बहुत बहुत धन्यवाद है। असं आस करते हैं जो 20 तरीक गुरपुरब है ये संगत सारी चाहते हैं गुरुद्वारा साहब पहुँच के गुरु महाराज की खुशियां प्राप्त कर। सो इन्नी ही बेनती है, वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। अज असी साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गुरु गोबिंद सिंह जी पातशाह दे अज नगर कीर्तन जम्मू दी संगतां बड़े खुशी नाल कढ़ रही ने। असी नगर कीर्तन दी सारे जम्मू वासियों नूं ही नहीं पूरे भारत वासियों नूं मुबारकबाद दिंदे हां। और 20 तरीक नूं असी गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश पुरब मनाउण जा रहे हां। मैं अपनी तरफा सारे जम्मू वासियों को लख लख बधाई देना और वाहेगुरु अकाल पुरख अगे अरदास करते हाँ कि यहोजे गुरपुरब बड़े धूमधाम नाल मनाए जान। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। Thank you.
खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। साहिबे कमाल धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी महाराज जी दियां रहमतां बख्शिशां मेहरां दा सदका आज सतगुरु जी दा पावन प्रकाश गुरपुरब दा दिहाड़ा मनाउंदे होए जम्मू कश्मीर दियां समूह संगतां वलों गुरद्वारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड अते गुरद्वारा प्रबंधक बोर्ड दे सहयोग दे नाल जम्मू कश्मीर दे विच डिस्ट्रिक्ट जम्मू दे विच नगर कीर्तन सवेर दा आरंभ है जो कि नगरां नूं शहरां नूं थां थां नूं हिरदियां नूं पवित्र कर रहा है बाणी दे राही। साहिबे कमाल ने साडे ते रहमत कीती साडे ते बख्शिश कीती सानूं सब तों वड्डी पवित्र अमृत दी दात बख्शी
नितनेम दियां दातां बख्शियां। जेकर गुरु दी एक गल भी असी मन लईए, जेकर गुरु दे चरणां नाल जुड़े रहिए, अमृत वेला संभाल दे रहिए, नितनेम नाल जुड़े रहिए, सतगुरु जी दा शब्द साडे हिरदिआं नूं ठकोरदा है अते सानू जीवन जांच सिखाउंदा है। इसलिए सानू सारिआं नूं सतगुरु जी दे दसे होए उपदेशां ते चलना चाहिदा है। गुरपुरब दियां समूह संगतां नूं, समूह नानक नाम लेवा विश्व सिख नूं वधाइयां होण। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं चारे कुंडालियां खुद जे वटना साईया, मैं चारे दसे हो मार्ग संतो हो, मैं दसे हो मार्ग संतो हो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया खुद जे वटना साईया, मैं चारे दसे हो मार्ग संतो हो, मैं दसे हो मार्ग संतो हो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया खुद जे वटना साईया, मैं चारे दसे हो मार्ग संतो हो, मैं दसे हो मार्ग संतो हो, क्यों प्रभु मिलाया। मैं चारे कुंडा पालिया खुद जे वटना साईया, मैं चारे Oh,
वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी की फतेह। जम्मू की समूह सिख संगत साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश उत्सव के संबंध में एक विशाल नगर कीर्तन कर रहे हैं। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने सारा सरबंस अपना दान सरबंस लौटा के हिंदुस्तान की सुरक्षा की और हिंदुस्तान की जो सब जो सूरत है अज अगर गुरु गोबिंद सिंह महाराज अपने बलि जीवन का बलिदान अपने परिवार का बलिदान ना दें तो शायद अज ये हिंदू धर्म इस ढंग प्रफुल्लित ना होता। आओ असी सारे रल मिल के उस वाहगुरु का उस अकाल पुरख का साहब श्री गोबिंद सिंह महाराज का धन्यवाद प्रकाश पुरब मिलजुल के मनाई और एक मैसेज संदेश देिए कि जुल्म अगर झुकना नहीं, जुल्म बर्दाश्त भी नहीं करना, जुल्म किसी ने करना भी नहीं बर्दाश्त नहीं करना। वाहगुरु जी का खालसा वाहगुरु जी का सोई पल मानो जो गुर कहे सोई पल मानो जो गुर कहे सोई पल मानो जो गुर कहे सोई पल मानो हर हर कथा निराली
वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पुरब दियां समुची संसार भर दियां सिंह संगतां नूं बहुत बहुत बधाईयां जी। सतगुरु पातशाह महाराज जी ने कृपा की सिख कौम के अंदर वो ताकत और रूहानीयत और वक्री पहचान सानूं दित्ती। खालसे की सिरजना करके अज लोड़ है असी सारे गुरु की सिक्ख्यावां दे अनुसार चलीए, अमर दी पोल लईए, गुरु वाले बनीए। बस यही साढ़े जीवन का लक्ष्य, यही साढ़े जीवन का मकसद होना चाहिए। तो मनुखता की सेवा करिए, आपस सांझ बना के रखिए। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु।
ਪੂੰਜਾ ਵਾਂਗ ਅੱਜ ਕੁਰਲਾ ਲੋਕੀ ਕਲਗੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਤਾਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਇਹੀ ਆਖਦਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਦਾਤਿਆ ਪੂਰੀ ਫਰਿਆਦ ਕਰਦੇ ਮੇਰਾ ਪਿਤਾ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤ ਲੈ ਲਾ ਮੇਰਾ ਵਸਦਾ ਘਰ ਬਰਬਾਦ ਕਰਦੇ ਨੌਵਾਂ ਨਾਲ ਚੁਣ ਲੈ ਪਰਿਵਾਰ ਮੇਰਾ ਪਰ ਮੇਰੇ ਪੰਥ ਨੂੰ ਆਬਾਦ ਕਰਦੇ साहब कमाल श्री गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी सरबंसदानी जिन्होंने खालसा पंथ तो देश तो कौम तो अपना सरबंस वारिया उस दसवें पातशाह सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का प्रकाश पुरब मनाते हुए समूह संगत जम्मू की संगत बड़े प्यार सत्कार सहित नगर कीर्तन में शामिल हो रही ने वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। आज बड़ी खुशी का दिन है कि आज नगर कीर्तन जड़ा है साहिब साहिबे कमाल साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी के प्रकाश दिहाड़े की खुशी के अज इतने नगर कीर्तन कढ़िया गया है। सारी संगतान को बहुत बहुत बधाई हो जी तो नाले सानू ये वाहेगुरु अकाल पुरख गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज उद्यम बख्शन कि असी मानवता की जिस तरह सेवा सानू बख्शी है वह असी करते रहिए सारे धर्मां नाल इको जिहा वर्ताव करिए। नाल ही मैं भी कहना चाहूँगा कि जो इस वेले किसान साढ़े वीर जड़े अंदोलन करके बैठे ने दिल्ली के बॉर्डर से साड़ी सरकार जड़ी सुती पई है उन्हें जागना चाहिए तो जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ही वो किसानों की मंगा वापस जड़िया लिया जान जड़िया उन्होंने मंगा कीतिया ने जोड़े काले कानून लगाए गए हैं उन्होंने वापस लिया जाए जल्दी तो जल्दी तो अंदोलन खत्म किया जा सके तो किसान वीर जड़े अपने घर जा सकन ये साड़ी एक बड़ी वो उपलब्धि होएगी जी असी इस मोर्चे इस अंदोलन फतेह करके वापस आवांगे। इस वेले उस अंदोलन के हर धर्म का लोग जोड़ा है हर स्टेट के लोग उत्थे बैठे ने लेकिन बदकिस्मती है कि साड़ी जी सरकार है वो इस वाल बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही तो गलत इल्जाम लगा लगा के अंदोलन बदनाम कर रही है जो नहीं करना चाहिए क्योंकि सिख धर्म मानवता का धर्म है और इस हर धर्म की उन्नी ही इज्जत है कदर है जिनी करनी चाहिए। वाहेगुरु जी का खालसा हम साथ जना हम साथ जना बजरंगी नानक संगत साथ हरने दो नानक संगत साथ हरने दो हम साथ जना बजरंगी हम साथ Thank you.
अज अपने मैं समूह संगतान गुरु गोबिंद सिंह महाराज के प्रकाश पुरब की जो नगर कीर्तन अज निकलिया उस संबंध के मैं अज सारी संगतान डिस्ट्रिक्ट कमेटी वालों लख लख बधाई देना चाहता। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरू जी की फतेह। हाथ रख के आप जी ने समूह संगतान को अपने शस्त्र विद्या की दात जिस तरह की गुरु साहब का बचन भी हैगा अस किरपान खंडो खड़क तुपक तवर अरतीर सैफ सरोही सहती यह हमारे पीर। गुरु साहब ने शस्त्रां नू पीरा का दर्जा दिता है जी जो मान पवित्र जगत जाहर पीर जगत गुरु बाबा ठीक है जी। उस कारण आप जी चरण च बेनती है कि आप जी भी अपने वध चढ़ के अपने बच्चों नूं कि शस्त्र विद्या की दात सिखाने की कृपालता करो नाले पंजाबी की दात जो मारे कहते सन जिसनों गुरु साहब ने बचन दिता सी गुरमुखी का गुरु साहब ने अपने मुख तू उचारे सी गुरमुखी का ठीक है जी।
Thank you.
ਮਾਈਲ ਐਵਨਿਊ ਡੈਂਟਲ ਕਲੀਨਿਕ ਐਂਡ ਫੇਸ਼ੀਅਲ ਐਸਥੈਟਿਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਨਕ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਜੂਮ ਰਸ਼ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਉਤਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਫੇਸ ਮਾਸਕ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਪਰੈਡ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਰੋਨਾ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦੇ ਹੋਇਆਂ ਸਾਡੀ ਕਲੀਨਿਕ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਮਾਸਕ ਡਰਾਈਵ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ ਡਰਾਈਵ ਚਲਾਈਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਡੈਂਟਲ ਚੈੱਕਅਪ ਕੈਂਪ ਵੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਪਤ 'ਤੇ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 21 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਉੱਥੇ ਪਰਚੀ ਬਣੇਗੀ ਉਹਦਾ ਕਲੀਨਿਕ ਵਿਖੇ ਫ੍ਰੀ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਮਨ ਲੋ ਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਮਨ ਲੋ ਚੈ ਹਰ ਮਿਲਣ ਕੋ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਪਾਇਆ ਕਿਉਂ ਦਰਸ਼ਨ ਵਟਨਾ
हर कीर्तन सुने
जन दुख निकट नहीं आ।
पल मनाओ जो गुर कहे सोई पल मनाओ जो गुर कहे सोई पल मनाओ जो गुर कहे सोई पल मनाओ हर हर कथाई Oh,